में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस बताना है, जिसमें से पहले क्वेश्चन में रेयरिंग और शेयरिंग के बीच में डिफरेंस बताना है और दूसरे क्वेश्चन में ऊल और सिल्क के बारे में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे रेयरिंग और शेयरिंग के बीच में डिफरेंस से। यहाँ पर जानते हैं रेयरिंग के बारे में, ब्रिंग्स अप, रेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज नोन एज रेयरिंग। मतलब किसी एनिमल का पालन करना रेयरिंग के नाम से जाना जाता है। और शेयरिंग क्या है? द फ्लीस ऑफ द स्लीप एलॉन्ग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। इस प्रक्रिया में जो स्लीप एनिमल है, इसके बाल काट करके निकाल दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं इसकी बॉडी से, और रिमूव करने की इसी प्रक्रिया को शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। तो रियरिंग का मतलब जंतुओं का पालन करना, उनकी देख रेख करना, और शेयरिंग का मतलब बाल को काट करके बॉडी से अलग कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऊल में देखते हैं ऊल और सिल्क में डिफरेंस क्या है। तो ऊल का एक बार बता देते हैं और सिल्क का दूसरी बार बता देते हैं, दोनों का एक एक पैराग्राफ करके आप लिख लेंगे। ऊल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर ऑफ एनिमल्स, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर विंटर क्लॉथिंग, ठंडी के समय में पहनने के उपयोग में आता है ऊल। इट डज नॉट हैव ए शाइनी, इट हैज गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इट इज लेस सेंसिटिव टू हीट। और सिल्क में देखते हैं सिल्क क्या है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ककून्स ऑफ सिल्क वर्म, यह सिल्क वर्म के ककून से प्राप्त किया जाता है। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर फॉर्मल ड्रेसेस, इट हैज ए शाइनी शिमरी अपियरेंस, इट इज नॉट एज गुड एज ऊल इन रिटेनिंग वार्मथ, इट इज मोर सेंसिटिव टू हीट। तो दोनों में आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एक जो है वो एनिमल के फर से प्राप्त होता है ऊल, और सिल्क जो है वो सिल्क वर्म के ककून से प्राप्त होता है। और दूसरा क्या है, एक जो है वो विंटर सीजन में पहनने के लिए काम में आता है, और जो सिल्क होता है वो फॉर्मल ड्रेस के रूप में पहनने के काम में आता है। ऊल जो होता है ये शाइनी नहीं है, और सिल्क जो है ये शाइनी अपीयरेंस देता है। ऊल के पास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी है और सिल्क के पास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऊल की अपेक्षा अच्छी नहीं है। तो ये सारे तुलनाएं हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स आपको बताए जाएंगे।